जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, जो कि छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है हमारा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो मयूर मोगरे नाम सर्च करके। इंस्टाग्राम पर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मैसेज कर सकते हो, मयूर मोगरे नाम से आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। शुरू करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको थोड़े जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट बाय वे ऑफ अपील। अब देखिए क्या होता है। अब अगर आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, ठीक है, या फिर अगर आप छोटे हो, अगर आपका बड़ा भाई या बहन है, तो अगर छोटे भाई या बहन को कोई डांटता है, कोई मारता है, तो छोटा भाई या बहन जो है वो अगर रोने लगे, तो जो मम्मा या पापा होते हैं वो सीधे आपको बोलने लग जाते हैं, क्यों मारा उसको, क्यों ये किया, बराबर है, बिना उसने अपील किए कि इसने मेरे को मारा है, इसने मेरे को डांटा है, ये करने के बजाय। तो इस तरीके से क्या होता है, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब मम्मी और पापा जो है वहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर छोटा भाई या बहन जो है वो रोते रोते वहाँ पर अपील करता है कि इसने मेरे को मारा है, इसने मेरे को ये किया है, तो वो क्या हो गया, वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गया कि इसने मेरे को, मतलब मेरे को मारा है, वो पहले अपील कर रहा है। तो इस तरीके से बिना अपील किए अगर वहाँ पर हस्तक्षेप होता है तो वहाँ पर हम उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस किस में हो सकता है? तो जो सेंटर है वो, या फिर किसी स्टेट के बीच में, या फिर सेंटर या एक या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है, या फिर एक स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में हो सकता है, या फिर एक स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो है इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्ले करता है। ओरिजिनल है, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन भी है। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, ना कि हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब बराबर है ना, दो स्टेट है उसमें दो स्टेट जो है वो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में काम करते हैं, तो वहाँ पर हाई कोर्ट जो है एक स्टेट का वो क्यों बीच में इंटरफेयर करेगा। इसलिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन होता है और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि शुड बी रिलेटेड टू लॉ। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ये लॉ से रिलेटेड ही झगड़े होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। अगर कोई दूसरी चीज़ आती है, जैसे हम आगे देखने वाले हैं, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि अगर कोई प्राइवेट सिटीज़न यहाँ पर अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई सूट लाता है, तो वहाँ पर भी, जैसे कि मेरे जैसा इंसान अगर वहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई सूट लेके आता है, तो वहाँ पर वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर कोई ट्रीटी है, ट्रीटी के साथ यहाँ पर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो लागू करने का हक पूरा सेंटर को है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता है। तो अगर यहाँ पर ट्रीटी आती है, या फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में हमने देखा था, बराबर है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में हमने क्या देखा था, एक ट्रिब्यूनल सेटअप करते हैं और ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन रहेगा, वहाँ सलमान खान ही आए थे स्वागत नहीं करोगे हमारा कहकर, तो अगर वो चैप्टर आपको याद नहीं है तो फिर से देखिए। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करते हैं और वो जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन रहेगा वो वहाँ पर फाइनल रहने वाला है, बराबर है, वो भी हमने देखा था आर्टिकल 262 के हिसाब से फाइनल रहेगा उनका डिसीजन, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं कर सकता है, वो भी हमने देखा था। तो इस तरीके से अगर ट्रीटी होती है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, या फिर पैसे से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, जैसे रेफर टू फाइनेंस कमीशन को अगर कोई चीज़ रेफर होती है, या फिर डिस्प्यूट्स ऑफ कमर्शियल नेचर, कोई कमर्शियल नेचर मतलब वहाँ पैसा आ गया, या फिर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, वहाँ भी पैसा आ गया, तो जहाँ जहाँ पैसे की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ लॉस जो है उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, वहाँ पैसे के मुताबिक हो रहा है, तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो काम नहीं करता है, भले वो एक्सक्लूसिव हो, भले वो ओरिजिनल हो। कंडीशन क्या है? वो लॉ से रिलेटेड रहना चाहिए। तो ये हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रिट ज्यूरिसडिक्शन पर। अब देखिए, जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसका मैंने आपको ट्रिक, हाउ टू रिमेम्बर रिट्स, ट्रिक्स टू रिमेम्बर रीड्स, इस तरीके का टाइटल है, तो आप सर्च कर सकते हो ट्रिक्स टू रिमेम्बर रीड्स बाय मयूर मोगरे, या फिर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ हूँ, तो उस तरीके से आप वो देख सकते हो। काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। तो उस तरीके से जो बाहुबली की स्टोरी है उसके मुताबिक मैंने आपको पढ़ाया है कि इस तरीके से आपको वो सब करना है करके। तो इस तरीके से आप हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चररी, ये सब याद कर सकते हो, ये सब याद कर सकते हो किस तरीके से ये काम करते हैं।
कौन से प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में होते हैं, कौन से गवर्नमेंट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में होते हैं, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब जो है वो सब मैंने उसमें कवर किया हूँ। तो आप देख सकते हो वाला वीडियो जो है वो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको रिट्स के बारे में। तो ये सारी जो रिट ज्यूरिडिक्शन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन जो है वो नहीं है। क्यों एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट जो है वहाँ भी रिट जो है वो इशू हो सकते हैं। अब वो कौन से आर्टिकल के मुताबिक हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहीं पर रिट जो है वो इशू कर सकते हैं एज़ पर आर्टिकल 32। लेकिन हाई कोर्ट जो है अदर पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो रिट इशू करने का जो भी एक ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ वाइडर ज्यूरिसडिक्शन फॉर इशूइंग रिट्स, तो हमें लगेगा सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है तो उसके पास वाइडर ज्यूरिसडिक्शन रहेगा ही, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। हाई कोर्ट के पास वाइडर ज्यूरिसडिक्शन है। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट जो है वो कन्फर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप रिट जो है ये इश्यूज में जो है वो कर सकते हो। मतलब क्या है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि उसका जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं, यहाँ पर आता है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एपिलेट मतलब क्या होता है? अपील कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो उसमें जो भी स्टेट हो या फिर जो भी हो वहाँ पर अपील कर सकते हैं। फिर सिविल मैटर्स जो होते हैं, सिविल मैटर्स में भी यहाँ पर अपील कर सकते हैं। क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं उसमें भी अपील कर सकते हैं। अब क्रिमिनल मैटर्स में कैसे? अगर जो हाई कोर्ट हो उसने सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो डिसीजन हो वो रिवर्स कर दिया हो और वहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो बता दी हो, किसी को डेथ पेनल्टी दे दी हो, तो यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। या फिर जो सादे ऑर्डर से, जो मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट ने अगर उसे डेथ पेनल्टी दी है तो वही अगर मेंटेन करता है हाई कोर्ट तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। सिविल मैटर्स में भी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। और उसके बाद स्पेशल लीव, तो यहाँ पर भी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? यहाँ पर वो सीधा अपील कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में हमने देखा था आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 जो है मतलब यहाँ पर क्या है? बॉन्डिंग, बराबर है। 143 आपको इससे तो रिलेट कर ही सकते हो, बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग किसके बीच में होती है यहाँ पर? तो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में होती है। मतलब प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ओपिनियन मांगते हैं, सजेशन मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑन एनी क्वेश्चन और लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर कुछ होता है तो यहाँ पर वो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर सीक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन। या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के लिए, अग्रीमेंट के लिए, कोवेनेंट के लिए, एंगेजमेंट, जो भी होता है उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पर ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं बताओ, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है नहीं बताना है मेरे को, मतलब मना कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा इंस्टेंस फिर आता है, प्रेसिडेंट बोलते हैं बताना यार, फिर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बताना ही पड़ता है। जब दूसरी बार ओपिनियन मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बताना ही पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर होता है कि ये मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। इतना होने के बाद भी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं मैं तेरा क्यों सुनूँ? तो ऐसा है कि प्रेसिडेंट जो है उनके हाथ में होता है वो ओपिनियन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए उसके लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या है यहाँ पर? अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मे बी सिविल और क्रिमिनल, बराबर है। मतलब क्या है? सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कि ब्रीच करना, मतलब यहाँ पर जो भी जो एक इज्जत बनी हुई है कोर्ट की वो डिग्रेड करने की कोशिश करना। तो सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है? विलफुल डिसोबीडियंस करना। जो भी जजमेंट सुनाया गया है, जो भी ऑर्डर है, रिट्स है, जो भी प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है कोर्ट की, उसे विलफुल डिसोबीडियंस करना वहाँ पर, तो वो हो गया सिविल कंटेम्प्ट। उसके बाद जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी आता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसे लोअर करने की कोशिश करना। प्रिजुडाइज और इंटरफियर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, या फिर इंटरफियरेंस और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैनर। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये क्रिमिनल यहाँ पर कंटेम्प्ट होते हैं। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, तो वो सही स्टेटमेंट रहेगा। ये हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद आता है अदर पावर्स। अब अदर पावर्स मतलब क्या होते हैं? डिस्प्यूट जो भी होता है, जैसे कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं तो उसमें ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव होता है, वहाँ पर हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ओरिजिनल होता है मतलब वहाँ पर किसी को अपील करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनल अथॉरिटी होता है मतलब उन्होंने जो बोला वही फाइनल रहेगा। प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब कि जो आप नेशनल एंथम, जो हर थिएटर रहेगा उसमें नेशनल एंथम बजेगा और उसमें सबको खड़ा रहना पड़ेगा, ये उन्होंने ऑर्डर सुना दिया, फिर उसी को उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से अपनी जो ऑर्डर दिया होता है उसी को रिव्यू करके रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद विड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में कोई केसेस पेंडिंग है तो वो बोलेंगे मैं खुद इसका निवारण जो है वो करने वाला हूँ, तुम छोड़ दो ये केस, तो अपने पास ले सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 21 के हिसाब से यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी जो है ये भी आर्टिकल 21 में आता है, तो ये खुद इंटरप्रेट कर देंगे, राइट टू प्रिवेसी जो है वो आर्टिकल 21 में आता है, तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी लॉ को। उसके बाद इट इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जो चेयरमैन होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, यहाँ पर रेफरेंस देंगे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद वहाँ पर जो भी कंडक्ट हो वहाँ पर बिहेवियर वो इंक्वायर करेंगे उस पर। उसके बाद अगर वो गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर होते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इन्हें रिमूव कर दिया जाए। अब ये जो एडवाइस टेंडर करेंगे सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट पर, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलते हैं कि जो चेयरमैन है यूपीएससी के उन्होंने कुछ घपला किया है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो यहाँ पर वो सुप्रीम को प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इन्हें रिमूव कर दो, तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा रिमूव करना। अब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, और क्वेरीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। जय हिंद।